कोरोना महामारी से जारी जंग में हर कोई अपने स्तर पर सहयोग दे रहा है। देश के लिए कोरोना संकट किसी त्रासदी से कम नहीं है। सूबे को संकट की इस घड़ी में निकालने के लिए बड़ी संख्या में लोग सामने आकर मुख्यमंत्री सहायता राहत कोष में अपना योगदान दे रहे हैं। इसी बीच कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में सहायता देने के लिए भाई बहन अपनी गुल्लक लेकर धनकौर कोतवाली पहुँचे और नन्हे दानवीरों ने अपनी गुल्लक में इकट्ठे पैसे सीएम सहायता राहत कोष के लिए एसएचओ को दे दिए हैं। वहीं दोनों भाई बहनों ने बताया कि आए दिन टीवी पर देखकर उनको ये विचार आया कि वो भी इस महामारी में लोगों की मदद करें, जिसके बाद वो अपने पिता दिनेश नागर के साथ कोतवाली गुल्लक लेकर पहुंचे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि मुश्किल की घड़ी में सभी एक दूसरे की हेल्प करें। क्या नाम बेटा आपका? मनु। अच्छा, आपका नाम मनु है। आपका नाम प्रतीक है। मनु कौन सी क्लास में पढ़ती हो? सिक्स। और प्रतीक आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? थर्ड। अच्छा, आज आप थाने क्यों आए थे? हम रुपए देने आए थे। रुपए गुल्लक में से? यस। अच्छा, आपने गुल्लक में रुपए इकट्ठे करे थे? यस। कब से कर रहे थे रुपए इकट्ठे? एक साल से। किस लिए? क्योंकि हम अपने लिए कपड़े खरीदने के लिए और बहुत सारी वस्तुएं खरीदने के लिए हमने पैसे इकट्ठे किए थे। जब हमें पता चला कि प्रधानमंत्री जी दान मांग रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी योगदान दें। अच्छा, उनको कोरोना वायरस की लड़ाई हमारे देश में चल रही है, आप उसमें दान करने के लिए आए हैं। यस, गुल्लक को। तो आपने गुल्लक किसको दिए? वो कोतवाल साहब को दिए क्या? यस। अच्छा, आपके मन में विचार कहाँ से आया था? हम न्यूज देखते थे तो प्रधानमंत्री को सब दे देते, तो हमने सोचा कि हम भी दे उनको। अच्छा, आपने गुल्लक में पैसे कहाँ से इकट्ठे करे? कौन देता था आपको रुपए? हमारे पापा हर महीने पॉकेट मनी देते थे। अच्छा, आपने पॉकेट मनी इकट्ठी करके और प्रधानमंत्री राहत कोष में दिए? बच्ची मनु है और ये बालक जो है ये प्रतीक है। ये दोनों बच्चे अपनी गुल्लक लेके आए हमारे पास और इन्होंने दोनों ने अपनी भावना व्यक्त की कि मेरी गोलक में जितने भी पैसे हैं ये हम कोरोना के संक्रमित से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए देना चाहते हैं और ये हमारे पैसे मुख्यमंत्री कोष में जमा करा दिए जाएं। इनकी भावना को दृष्टिगत रखते हुए बड़ा अच्छा लगा कि बच्चों में ऐसी भावना, ये इनके संस्कार हैं, इनके परिवार के संस्कार हैं कि इनके अंदर ऐसी भावना उत्पन्न हुई और इनको प्रेरणा मिली। इनकी गुल्लक को तोड़ के इसमें 1751 रुपये इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के कोष के लिए जमा किए हैं, जो मैं उचित माध्यम से इनको भिजवाने का प्रयास करूंगा। बता दें कि 11 साल की मनु और 8 साल का प्रतीक दनकौर कोतवाली क्षेत्र के जुनैदपुर के निवासी हैं। 6वीं कक्षा की छात्रा मनु नागर अपने भाई प्रतीक नागर के साथ गुल्लक लेकर कोतवाली पहुंचे थे और एक साल से इकट्ठे किए पैसों को अपनी खुशी से मुख्यमंत्री राहत कोष में दे दिया। गुल्लक को फोड़ने के बाद उससे 1775 रुपए निकले। इन पैसों को एसएचओ ने मुख्यमंत्री राहत कोष को भेज दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नोएडा से गौरव गौर की रिपोर्ट।